हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं सूजी के लड्डू मैंने बनाए थे, उसी दिन शूट किए थे हस्बैंड जाने के एक दिन पहले, लेकिन आज वीडियो दे रही हूँ। और मैंने कुकर में ही भुनना स्टार्ट किया क्योंकि कढ़ाई से वही वो येलो येलो सी कलर ना आ जाए सूजी में, इसीलिए। मेरे पास नई कढ़ाई नहीं है, आपके पास हो तो नई कढ़ाई में बना सकते हैं। और मैंने लड्डू भी तैयार कर लिए हैं, हस्बैंड को दे के भेजूँगी, वहाँ पर भी खाएँगे और ट्रेन में भी खाएँगे जाते वक्त। तो लड्डू बनाने के बाद फिर मैं मसाला पीसने लगी, मसाले रेडी करने लगी क्योंकि चिकन लाए थे हस्बैंड, तो बनाने लगी। सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला का टेस्ट और ही होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और मैंने आलू भी काट लिए थे, घर के आलू हैं वो, बेबी पोटैटो जो मैंने दिखाए थे, तो बड़े बड़े साइज़ लेकर मैंने डाल दिए क्योंकि सबको पसंद है आलू। अगर मैं चिकन में डालती हूँ तो अच्छे से सभी लोग खाते हैं। और ये एक टमाटर भी डाल दिया और चिकन बनाने लगी। मैंने तो चिकन खाना छोड़ दिया है, चिकन मतलब मैंने नॉनवेज ही मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ दिन से नॉनवेज के नाम से, मतलब खाने का मन नहीं करता है। तो हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाया और मैं अपने लिए छोटे छोटे आलू फ्राई करने लगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं गर्म गर्म खाने से, और ऊपर से घर के आलू हैं तो बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है तो इसलिए येलो कलर नहीं आ रहा है। और उसके नेक्स्ट डे फिर मैं हस्बैंड को छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन तक चली गई। और आज का वीडियो में यही था फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।